सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेवन सेक्ट पार्टी में जुआन यू युआनबा से फाइट कर रहा था। जुआन यू ने युआनबा को बहुत बुरी तरह मारा था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इससे जिओचे बहुत गुस्सा हुआ था। फिर अब हम युआनबा को देखते हैं, उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसे संभालती है जिओचे। जुआन यू से कहता है कि हर जीत तो चलती रहती है, मगर तुम इतने खतरनाक अटैक क्यों कर रहे थे। जुआन यू कहता है कि शॉट्स की आंखें नहीं होती, पंच और किक्स को रोका नहीं जा सकता, मतलब शॉट किसी को देखकर अटैक नहीं करती, भले सामने कोई भी हो वो सबको काट देती है। इसी तरह गुस्सा आने पर पंच और किस को रोका नहीं जा सकता। जब एक्सपीरियंस और कंपटीशन की बात आती है तो मैं अपने आप को फाइट करने से नहीं रोक सकता, वो खुद इतना कमजोर है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। सब लोग जुआन यू की बात से सहमत होते हैं। जिओचे कहता है कि शॉट की आंखें नहीं होती, पंच और किस को रोका नहीं जा सकता, तुम अपनी इस बात को हमेशा याद रखना। जिओचे लेन और युआनबा को साइड में भेज देता है। वो कहता है कि मेरा नाम युनचे है और मैं जुआन रेजिडेंस का मेंबर हूँ, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। मौली कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पहले तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे और अब दूसरों के लिए फाइट कर रहे हो। जिओचे कहता है कि पहले मैं बस फाइट देखना चाहता था, लेकिन इसने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को चोट पहुँचाई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जुआन यू हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 3 बार टच कर लिया तो तुम ये फाइट जाओगे। जिओचे अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है। जुआन यू भी अपनी पावर एक्टिवेट करके उसे रोकने लगता है, लेकिन जिओचे तेजी से उसके पीछे चला जाता है और जुआन यू को थप्पड़ मारकर दूर गिरा देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जुआन यू उठकर कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर एक मौका दिया था ताकि तुम जिंदा रह सको, मगर अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। जुआन यू अपनी पावर एक्टिवेट करके जिओचे पर अटैक करने के लिए चाहता है, मगर जिओचे अपने शेडो स्टार ऑफ गॉड स्किल की मदद से उसके पीछे चला जाता है। वो फिर से जुआन यू को थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। एक एल्डर सिकोंग से पूछते हैं कि यह लड़का कौन है। वो कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम युनचे है, मैंने इसे आज ही रेजिडेंस ज्वाइन करवाया है, मेरा फैसला एकदम सही निकला। जुआन यू को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने पावर एक्टिवेट करता है जिससे उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। मौली कहती है कि जुआन किसिन सेक्ट की हाइस्ट नॉलेज पर्पल सन 1000 एल्यूजन हैंड से। इस मूव में पर्पल सन पल्स अपने कोर में इकट्ठा होती है, अगर उसकी वेंस वाइब्रेट हुई तो उसकी वेंस तुरंत डैमेज हो जाएगी। जुआन यू जिओचे पर अटैक करता है। जिओचे अपनी शेडो स्टार गोट की मदद से तेजी से जुआन यू के चेस्ट को टच करता है और उसके पीछे जाकर उसे पंच मारता है, जिससे जुआन यू दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जुआन यू जुआन यू को संभालता है। वो जिओचे से कहता है कि हम यहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो तुम इतने खतरनाक अटैक क्यों कर रहे हो, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिओचे कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, शॉट्स की आंखें नहीं होती, पंच और किस को रोका नहीं जा सकता, जब एक्सपीरियंस और कंपटीशन की बात आती है तो मैं अपने आप को फाइट करने से नहीं रोक सकता, ये खुद बेकार है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। ये वही बात थी जो जुआन यू ने जुआनबा को पीटने के बाद कही थी। इससे गुस्सा होकर जुआन लॉर्ड किन से कहता है कि हम यहाँ आपको बधाई देने के लिए आए थे, लेकिन आपका स्टूडेंट हमारे सेट की बेइज्जती कर रहा है। लॉर्ड किन कहते हैं कि इसके लिए मुझे माफ कर देना, जुआन यू को ठीक करने में जो भी मेडिकल खर्चा आएगा जुआन जूनियर रेजिडेंस वो खर्चा उठाएगा। जिओचे कहता है कि इसने युआनबा को पूरी तरह घायल किया, तब ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था और जब मैंने इसे पीटा तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सेट की बेइज्जती कर रहा हूँ, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है। यह सुनकर लॉर्ड किन सोचते हैं कि लड़का बातचीत करने में बहुत अच्छा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुआन जूनियर रेजिडेंस में ऐसा टैलेंटेड स्टूडेंट होगा, यह साथ और सेट्स के घमंड को तोड़ रहा है। जिओचे कहता है कि आप बेटे सेट्स को जूनियर रेजिडेंस से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर रेजिडेंस के स्टूडेंट कमजोर है जो लोगों की बेइज्जती करते हैं, एक दिन उसे उसका फल मिलता है। अगर तुम में से कोई भी इस बात को नहीं मानता तो आगे आओ और मुझसे बात करो। ये सब सुनकर यंग मास्टर जियो लियो चेंग सोचता है कि इस लड़के को क्या लगता है कि ये सब करने के बाद जुआन किसिन इसे ऐसे ही छोड़ देगा। इसे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है, मगर ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। तभी युनयांग सेट का
यानमिंग कहता है कि तुम बस अपनी किस्मत की वजह से इस फाइट को जीते हो, फिर भी तुम इतना घमंड दिखा रहे हो। युआनबा कहता है कि यानमिंग के फायर क्लास मूव बहुत खतरनाक है, इस बार बड़े भाई नहीं बच पाएंगे। मिंग कहता है कि मेरा नाम याद रखना, क्योंकि अब तुम्हें हर रोज नाइटमेयर आएंगे। जियोचे कहता है कि तुम बस इतनी बकवास बातें क्यों करते हो। इससे मिंग को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी यूनियांग चेन टेक्निक से फायर स्नेक्स को एक्टिवेट करता है। वो फायर स्नेक्स से जियोचे पर अटैक करता है। जियोचे अपने शेडो स्टार स्पीड की मदद से तेजी से इधर उधर मूव करके स्नेक से बचता है। स्नेक जियोचे को घेर कर उस पर अटैक करते हैं। इससे सब लोगों को लगता है कि अब जियोचे नहीं बच पाएगा। एल्डर सिकोंग भी काफी डर गए थे, मगर जियोचे फायर स्नेक्स को पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास फायर सीट की पावर थी। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिंग दूसरे फायर स्नेक से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे उन स्नेक्स को खत्म कर देता है। इससे मिंग बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि यूनियांग चेंस माउंटेन्स को पिछना सकती है और समुद्र को भाग सकती है, तो तुम इनसे कैसे बच गए। जियोचे कहता है कि तुम फायर गेम्स दिखाने में काफी अच्छे हो, अगर तुम सड़क पर जाकर ये सब करोगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत सारे फायर स्नेक्स को कम्बाइन करके एक जाइंट स्नेक से जियोचे पर अटैक करता है। जियोचे अपनी फायर पावर से उस स्नेक को खत्म करके मिंग पर अटैक करता है। मिंग उसके अटैक को झेल नहीं पाता, जिस वजह से उसके हाथ में आग लग जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। यूनियांग सेट के एल्डर वहां आकर उसकी आग बुझाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यूनियांग चेंस के फिफ्थ स्टेज को यूज करने से मना किया था, तुम्हारे पास उसे यूज करने जितनी पावर नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे हाथ जल गए। एल्डर मिंग को उसकी जगह पर ले जाते हैं। जियोचे कहता है कि पहले ही दो लोग हार चुके हैं, क्या अब और कोई आना चाहता है। सब लोग बातें करते हुए कहते हैं कि मिंग उसकी उम्र के लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसने उसे भी हरा दिया, ये काफी अजीब बात है। तभी टाई कियांग फैमिली का टाई हेंग जून वहां आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। युआनबा कहता है कि टाई हेंग जून कुछ महीनों पहले ही एडवांस डिवाइन रियल्म के चौथे लेवल पर पहुंचा था। इस उम्र में उसका फाइट करना रूल्स के खिलाफ है। तो लेंग मुरोंग से कहती है कि आप हेंग जून की उम्र के हैं, इसलिए आप जियोचे की जगह उसे फाइट कर लो। वो कहता है कि अपोनेंट ने पहले ही जियोचे को चैलेंज दे दिया, मैं इस तरह बीच में नहीं जा सकता हूँ। मुरोंग जानबूझकर फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जियोचे को पसंद नहीं करता था और उसे पिटते हुए देखना चाहता था। हेंग जून कहता है कि वैसे तो मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे फाइट करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पावरफुल स्टूडेंट को हराते हुए देखा, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जियोचे कहता है कि आपने मुझे चैलेंज करने से पहले अपने बारे में सब चीजें बता दी, ये अच्छी बात है। आप मुझसे फाइट कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफी सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें सुनकर लॉर्डकिन सोचते हैं कि जियोचे का रवैया लोगों के हिसाब से बदल जाता है, ये पावरफुल होने के साथ साथ समझदार भी है, ये दूसरे लोगों की तरह नहीं है। हेंग जून कहता है कि मेरे स्पेयर को चुआन यून कहा जाता है, ये एक मैजिकल वेपन है जो मुझे अपने एंसेस्टर्स से विरासत में मिला था। जियोचे कहता है कि मैंने कभी भी किसी सोर्ड और वेपन से फाइट नहीं की, लेकिन आपको मुझ पर रहम करने की जरूरत नहीं है। तो हेंग जून अपने स्पेयर को एक्टिवेट करके जियोचे पर अटैक करता है, पर जियोचे अपने शेडो स्टार गोट की मदद से बच जाता है। हेंग जून कहता है कि मैंने अपने पहले अटैक में 70% पावर का यूज किया था, अब मैं 100% पावर का यूज करूंगा, इसीलिए सावधान रहना। जियोचे इसके लिए तैयार हो जाता है। जियोचे अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है। मोली कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, डीमन गोट का नेचर बहुत वॉयलेंट यानी हिंसक होता है, जब तुम इसे पहली बार एक्टिवेट करोगे तो तुम्हारी बॉडी को बहुत तकलीफ होगी। जियोचे कहता है कि मेरे पास ज्यादा स्किल नहीं है, लेकिन एक स्किल ऐसी है जिसे मुझसे अच्छा कोई यूज नहीं कर सकता, वो स्किल है कि मैं पलक झपकते ही लोगों को पहचान जाता हूँ। जियोचे इविल गोट की मिस्टिक वेंस को एक्टिवेट करने लगता है। हेंग जून अपने स्पेयर से जियोचे पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जियोचे आंखें बंद करके खड़ा था, जिस वजह से हेंग जून उस पर अटैक नहीं करता। जियोचे की मिस्टिक वेंस पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। वो कहता है कि आपने मुझ पर अटैक नहीं किया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो हेंग जून अपने ड्रैगन्स अक्रॉस द सीस मूव से उस पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे अपने हाथों से स्पेयर को रोक देता है और हेंग जून को दूर कर देता है। हेंग जून फिर से अपने स्पेयर को एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी जियोचे अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके हेंग जून को दूर कर देता है। हेंग जून
कहता कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एडवांस्ड डिवाइन रियलम के पहले लेवल पर हो। तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। जियोचे अपनी शेडो स्टार ट्री की मदद से बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। हेंगजुन अपने स्पेयर की मदद से उन क्लोन को खत्म करता है। तभी जियोचे उस पर पावरफुल अटैक करता है। हेंगजुन अपने स्पेयर से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जियोचे का अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से हेंगजुन के हाथ से स्पेयर छूटकर दूर गिर जाता है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। हेंगजुन कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत वक्त से ऐसे फाइट नहीं की थी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं हार मानता हूँ, अब मुझे बताओ मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक हूँ या नहीं। जियोचे कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं। इससे हेंगजुन काफी खुश हो जाता है। सब लोग जियोचे की तारीफ करने लगते हैं। जियोचे कहता है कि अब कौन मुझसे फाइट करना चाहता है। इससे गुस्सा होकर एल्डर सिगोंग कहते हैं कि अब तुम ये क्या कर रहे हो, ज्यादा घमंडी मत बनो। पर जियोचे उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि सातो सेट यहाँ है, मैंने अभी तीन लोगों को हराया है, अब इसके बाद यहाँ और कोई नहीं है क्या। केशा सोर्ट पवेलियन का लू जन्नान कहता है कि जुआन जीन्यू रेजिडेंस में 20 साल की उम्र से कम के स्टूडेंट को एक्सपीरियंस शेयर करना अलाउड है, इसीलिए तुम इतना घमंडी बन रहे हो। क्या तुम 20 साल से बड़े स्टूडेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो। जियोचे कहता है कि तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे, मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सब से फाइट करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे फाइट के लिए चैलेंज देगा। अब तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। ये सुनकर सिकोंग घबरा जाते हैं क्योंकि लू जन्नान बहुत पावरफुल था। लेन जियोचे से कहती है कि इस बार मुझे इससे फाइट करने दो, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। जियोचे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जन्नान फाइट करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि तुम काफी घमंडी हो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब तुम्हारा मजाक बनने वाला है। जन्नान अपनी लाइटनिंग शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। जियो लुओचेंग कहता है कि जब जियोचे ने हेंगयुन को हराया तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ फाइट करूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जन्नान उसे मारने के इरादे से आया है। जन्नान अपनी लाइटनिंग से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जन्नान फिर से अपनी लाइटनिंग से जियोचे पर अटैक करता है, लेकिन जियोचे शेडो स्टार गोड मू की मदद से बच जाता है। वो जन्नान पर अटैक करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।